जिला फतेहाबाद में आज से दिव्यांग लोगों का कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने के कार्य में अग्रसर है, ताकि इस महामारी से पूर्ण रूप से बचाव किया जा सके। जो दिव्यांग हैं, ये भी हमारे अभिन्न अंग है हमारे समाज का, और आज इनको वैक्सीन लगाई। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हमारी रतिया की SDM साहब के नेतृत्व में पूरी डॉक्टरों की टीम बड़ा ही अच्छा इस कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम कर रही है, और हमारे रतिया में सिविल हॉस्पिटल या और भी जितना भी कोरोना में ये चला है, बड़ा सारी टीम जो हमारी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, SDM, नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रतिया की SDM ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो प्रत्येक दिव्यांगजनों के टीकाकरण में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि आज टीकाकरण से वंचित रहने वाले दिव्यांगजनों को 3 जून को वैक्सीन दी जाएगी। इनके लिए हमने व्हीकल्स की भी व्यवस्था की है। कोई भी दिव्यांग यदि कोई ऐसा चाहता है कि नहीं आ सकता, तो उसके लिए व्हीकल्स का स्पेशल प्रबंध है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आज यदि कोई दिव्यांग रह जाता है, तो उसके लिए परसों का दिन हमने फिक्स कर रखा है, तो परसों भी जो रह जाएंगे तो उनको हम ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ मेरी अभी माननीय विधायक जी से अभी चर्चा हुई थी कि क्यों न हम किन्नरों के लिए भी ये कैंप का आयोजन करें, तो अब चर्चा के दौरान यही निकल कर आया है कि हम एक स्पेशल कैंप अपने लेवल पर किन्नरों के लिए रतिया सब डिवीज़न में भी आयोजित करेंगे।